जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में जो सातवां अध्याय है उसमें जो 27वां नंबर सूत्र है उसके जो 3 अतिचार शेष हैं उनके बारे में समझते हैं। अभी तक 2 अतिचारों के बारे में जान लिया था कि एक तो चोरी का प्रयोग नहीं बताना है और एक जो चोरी करके आया है तो उस चोरी के सामान को नहीं खरीदना है। तीसरा जो अतिचार है विरुद्ध राज्यादिक्रम, ध्यान रखेंगे नाम है विरुद्ध राज्यातिक्रम। ये 3 शब्द हैं इसमें, विरुद्ध राज्य अतिक्रम। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, राज्य के विरुद्ध है यदि कार्य करते हैं उसमें अतिक्रम मतलब दोष लगता है। कैसे दोष लगता है, जैसे एक राज्य की वस्तु को दूसरी राज्य वस्तु में जाना निषेध है, मान लो आना जाना निषेध है, यहाँ की राज्य की वस्तु का दूसरी राज्य में या दूसरी राज्य की वस्तु का इस राज्य में आना आयात निर्यात निषेध उस वस्तु का हो, और हम क्या करें कि किसी तस्कर के माध्यम से स्मगलिंग के माध्यम से बिना बताए चुपचाप बॉर्डर से उनका सामान ले आए या हमारा सामान वहाँ चला जाए तो ये हो जाएगा अतिक्रम। क्या हो जाएगा, राज्य विरुद्ध अतिक्रम हो जाएगा। संसार में ऐसा कितना कार्य हो रहा है, आप देखिए वो वस्तु आपको वहाँ से तो आप अल्प रूप में खरीद के लाए मतलब अल्प मूल में खरीद के लाए। राज्य विरुद्ध में क्या होता है, वस्तु आना जाना नहीं हो रही है तो वहाँ से वस्तु को अपन ने खरीदा अल्प मूल्य में और अपने यहाँ पर ला करके बहु मूल्य में उस वस्तु को बेचा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है और वहाँ पर वस्तुओं देखी खरीदी, लेकिन वो वस्तुएं जो है यहाँ पर आने के लिए निषेध है, उसमें मना कर रखा है कि ये वस्तु यहाँ पर नहीं आ सकती है, और वहाँ पर जाकर तुमने अल्प मूल में वस्तु को खरीद लिया तो अब क्या करें, छुपा करके कहीं अटैची में छुपा कर, कहीं गाड़ी में छुपा करके, अथवा कहीं सिप में डलवा दिया, अनेक प्रकार से वो चोरी का सामान हो गया और उसको सामान को क्या किया आपने चुपचाप यहाँ पर मंगा लिया और वो वस्तुओं को आपने बहुत महंगी रूप में यहाँ पर बेच दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये राज्य विरुद्ध अतिक्रम है। जो हमने अतिक्रम किया है मतलब कि राज्य के विरुद्ध जो भी कानून है उस कानून का हमने उल्लंघन किया है, अतिक्रम किया उल्लंघन किया है, इसी कहते हैं विरुद्ध राज्य अतिक्रम। आचार्यवान कहते हैं ये चोरी है और इस चोरी का भी दोष लगता है। आपने क्या कर लिया, आपने तस्कर लोगों को क्या दे दिया, प्रेरणा दे दी उस वस्तु से, क्योंकि आप तो लेके नहीं आए लेकिन रास्ते में बीच में कौन लेके आया, तस्कर लोग जो होते हैं वही तो लेके आते हैं। कितना सारा सामान अन्य देश से इस देश में आता है और चोरी छिपे आता है और वो चोरी छिपे यहाँ पर आ जाता है और इस देश में या इस राज्य में वह वस्तु अन्य मूल में बहु मूल में बहुत बड़ी कीमत में लोग उसको बेचना प्रारंभ करते हैं और वो आप बेचते हैं, आप उसको लेकर के बेचते हैं। तो इस प्रकार से आचार्यवन ने कहा कि राज्य विरुद्ध जो भी कार्य हैं वो कार्य नहीं करना है, ये चोरी है, ये कहीं ना कहीं चोरी है और यह बहुत तादाद में लोग ऐसा काम करते हैं।
कहीं धातु सोना चांदी का स्मगलिंग करते हैं, कहीं ड्रग्स का स्मगलिंग करते हैं, कहीं आयरन का करते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्रों का, प्लास्टिक के सामानों का, कांच के सामानों का, बहुत सारे सामान होते हैं, आइटम्स होते हैं, और उन सामानों का उस दूसरे देश से अपने देश में तस्कर के माध्यम से मंगाना और यहाँ पर बेचना, तो और अपना सामान भी तस्कर के माध्यम से बाहर भेजना और वहाँ पर उसको बेचना। तो इस प्रकार से ये जो खरीदना बेचना जो आदि चीज़ें हैं, ये सब की सब जो है विरुद्ध राज अतिक्रम है, कि राज विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। और झूठे दस्तावेज बना करके भी मंगा लेते हैं तो वो तो गलत है ही है, वो तो सत्यानुव्रत में बताया था वो गलत है, लेकिन यहाँ तो नियम से सामान चोरी करके ला रहे हैं और उस सामान को यहाँ पर अपन बेच रहे हैं। तो इस प्रकार का यह तीसरा नंबर का अतिचार है, आचार्य वन कहते हैं इसमें भी दोष लगता है। इसी अतिचार को राजवार्तिक और सर्वार सिद्धिकार में आचार्य भवन ने बहुत सुंदर बताया है कि उचित न्याय से अधिक भाग को ग्रहण करना अतिक्रम है। जो उचित न्याय होना चाहिए लेकिन न्याय उचित नहीं है और हम वस्तु को अधिक भाग में ग्रहण कर लें तो क्या होगा, ये अतिक्रम है। मतलब जितनी वस्तु चाहिए थी उतनी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, उससे ज़्यादा वस्तु को अपन ने ग्रहण कर लिया। और राज परिवर्तन के समय अल्प मूल वाली वस्तुओं को अधिक मूल में बताना, राज्य में कुछ परिवर्तन चल रहा है जिसके कारण जो अल्प मूल वस्तु थी उसे बहुमूल्य बता करके बेचना, ये क्या है, विरुद्ध राज अतिक्रम है। अतिक्रम क्यों हो गया, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसने स्टॉक कर लिया बहुत सारा सामान जो उसके काम का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारा उचित न्याय से अधिक भाग को उसने स्टॉक कर लिया, रख लिया, ये उसने अतिक्रम किया। और फिर जब कुछ राज्य में परिवर्तन हुआ, मौसम में कुछ परिवर्तन हुआ, तो उसने जो अल्प में खरीदा था और उसको बहुमूल्य में उस वस्तु को फिर क्या करता है, वो बेचता है। तो आचार्य वन कहते हैं ये भी विरुद्ध राज अतिक्रम है, राज्य के विरुद्ध है। आम जनता पब्लिक को बहुत ही इसमें बाधा होती है, उनके जीवन में जीने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ऐसा कार्य नहीं करना है। सर्वार्थ सिद्धिकार ने क्या कहा है, यदि वहाँ अल्प मूल में वस्तु मिल गई तो उन्हें महंगा बेचने का प्रयत्न करना ये विरुद्ध राज अतिक्रम है। क्योंकि राज्य में राजा के द्वारा यह कहा गया है कि जनता अच्छे से रहे, लेकिन यह जो जीव लोभ वशाद क्या कर रहा है कि बहुत अल्प मूल जो वस्तुएं हैं उनको बहुत ग्रहण करके फिर बहुमूल में महंगा रूप में उसे बेचता है। तो आचार्य वन कहते हैं ये विरुद्ध राज अतिक्रम है। कहने का मतलब ये है कि आचार्य भवन ये कहना चाह रहे हैं कभी भी राज्य के विरुद्ध उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आम जनता जिससे परेशान हो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। हम अपने लोभ लालच के कारण यह कार्य करते हैं और ये एक प्रकार से चोरी भी कहलाती है। क्यों चोरी कहलाती है, क्योंकि हमने जो राज्य के कानून के अनुसार न चल करके हमने राजा ने जैसे व्यवस्था बनाई कि भैया ये वस्तु इतनी में इतनी रूप में होगी और उसको हमने अन्य लोगों से बहुत सस्ते में ग्रहण कर ली, तो उस व्यक्ति की अपन ने चोरी की, उसकी मेहनत की चोरी की, उसकी ईमानदारी की चोरी की आदि। इस प्रकार से आचार्य उन कहते हैं कि यह कार्य भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना। ये तीसरा अतिचार हुआ। चौथा नंबर का जो अतिचार है जिसका नाम है हीनाधिक मानोन्मान, देखिए अच्छे से नाम पढ़िए, हीनाधिक मानोन्मान। इसमें चार शब्द हैं, हीन, अधिक, मान और उन्मान। मान और उन्मान ये भी पहले समझ लेते हैं कि मान किसे कहते हैं और उन्मान किसे कहते हैं। जो मान है जिसमें वस्तु को भर करके या जिसमें तौल करके
वस्तु को ली जाती है उसे मान कहते हैं। मान समझ में आ गई, जिसमें वस्तुओं को भर करके, जैसे पहले प्रस्त होते थे तो प्रस्त में क्या करते थे, गेहूं भर लिया, चावल भर लिया। जैसे आपके यहाँ जो कटोरी है तो भैया किसी ने कुछ मांगा तो आपने एक कटोरी गेहूं दे दिया या चावल दे दिया, उसके बदले में आपने कुछ ले लिया। तो ऐसे प्रस्त होते थे, तो प्रस्त के माध्यम से आपने अनाज भरा और उसको उतना दे दिया। अथवा जैसे दूध आदि है तो दूध को आपने लीटर से भरा और दे दिया, 1 लीटर 2 लीटर, इस प्रकार से ये सब प्रस्त हैं। तो जिसमें वस्तुओं को भर करके अथवा जिसमें किसी वस्तुओं को तौल करके, जो बांट है तराजू, अब तराजू बांट के माध्यम से वस्तु को आपने तोला और आदान प्रदान किया। तो इस प्रकार से जिसमें वस्तु को भर करके या फिर जिसमें वस्तुओं को तोल करके कोई वस्तु ली दी जाती है उसे मान कहते हैं। इसी मान को प्रस्त कह सकते हैं या तराजू आदि भी कह सकते हैं, जैसे कांटा आदि कहते हैं वो भी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है उन्मान। तो उन्मान किसे कहते हैं, जिसमें नाप करके कोई वस्तु ली दी जाती है उसे उन्मान कहते हैं। नाप करके, जैसे 1 इंच 2 इंच 10 इंच 12 इंच का एक फुट होता है, तो ये फुट है और गज है, मीटर, इस प्रकार से। तो जो ये इंच है, मीटर है, गज है, फुट है, इसको अपन लेंगे उन्मान में। जैसे अपन को जमीन लेना है तो कितने गज की जमीन चाहिए, कितने फुट बाई फुट की जमीन होना चाहिए, तो 1 हाथ का 2 हाथ का, इस प्रकार से। कपड़े में भी अपन लगाते हैं 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, तो इस प्रकार 1 मीटर 2 मीटर का कपड़ा, 4 मीटर का कपड़ा, तो इस प्रकार से कपड़े भी नापते हैं ना। कपड़ा है और जमीन है, कागज है, कितने फुट का कागज। तो इस प्रकार से जो वस्तुओं को नाप करके ली और दी जाती है उसे उन्मान कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको मान किसे कहते हैं और उन्मान किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना, मान और उपमान, जब हम कोई वस्तु को लेते हैं, लेते समय तो हमें क्या कर लेते हैं और देते समय हम क्या कर लेते हैं, बस यहाँ पर चोरी की बात को समझना है। जो जैसे बड़े मान तोलने मापने के बांट आदि हैं से लेना, उनसे लेना और छोटे मान से देना, क्या करते हैं अपन। मान समझ में आपको आ गया, जैसे भर करके या तोल करके जो वस्तुएं हैं ले देते हैं अपन, लेते हैं तो क्या करना, लेते समय तो हमारे जो बांट हैं वो भारी हो, ठीक है ना, हमारे प्रस्त बड़े हों, और जब हम किसी को दे रहे हों तो वो बांट कैसे हों, हल्के हों, हमारा प्रस्त छोटा हो। तो जिससे क्या होगा, हमारी वस्तु हमारे पास जब आए तो हमारे लिए अधिक मात्रा में हमको लाभ मिले, और जब हम किसी को दें तो उसको कम मात्रा में लाभ मिले। तो यहीं पर हो जाती है चोरी, यहीं होती है बेईमानी। आप लोग कहते हैं ना कि भैया जब आप हमें वस्तु तो देते हो तो हमारे पास तो वस्तु कम आती है, और जब आप लेते हैं तो आपके पास वस्तु हमारी ज़्यादा जाती है। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चोरी कर लेते हैं। बांट जो होते हैं डबल डबल बांट बना के रखते हैं, एक बांट में क्या होता है भारी से होते हैं, ठीक है ना, एक बांट उसी प्रकार 1 किलो का बांट आपको दिखेगा, दिखेगा दोनों एक सा, एक भारी और एक हल्का है। जब अपन सामान किसी से ले रहे हैं तो अपन ने भारी वाला रख दिया तो हमारे पास ज़्यादा आ गया, जब हम किसी को सामान दे रहे हैं तो हमने कम वाला रख दिया, इसी को बोलते हैं हीनाधिक, हीन और अधिक। नाप में और माप में, इन दोनों प्रकार के में, मतलब मान और उपमान दोनों में, जब हम वस्तु बेच रहे हैं किसी को दे रहे हैं तो इसमें कम करके, नाप में भी हाथ का जो फुट है उसमें 2 इंच कम कर लिया, मतलब 1 मीटर का कपड़ा था अपन ने उसमें 2-5 इंच कम करके जो है लोगों को दे दिया, और लेते समय उसमें इंच बढ़ा करके ले लिया। तो इस प्रकार से ऐसे नाप ना करना, तो ये जो है चोरी है, ये चोरी है। संसार में ऐसा कितना लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, करके वह पाप कमाते हैं। क्यों, क्योंकि किसी को शायद बेईमानी करना, आप अपने आप के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं और दूसरे की वस्तुओं को इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं चोरी करके। देखते थे बचपन में, देखते थे गल्ला नापने वाले में, देखते थे दूध नापने वाला आता है उसको भी देख लीजिए, जब वो
स्वयं दूसरे से लेता है तो पूरा भर भर के लेता है, जब देता है तो आधा बिल्कुल खाली थोड़ा सा खाली करके देता है, उतना उतना थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत सारा बचा लेता है। तो आचार्यवान कह रहे हैं, हीन धन हीन हद अधिक मान और उपमान, मान और उपमान में हीन और अधिक करना, क्या करना, हीनाधिक करना, ये चोरी कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। जो त्यागी वृत्ति होते हैं, अणुव्रतधारी होते हैं, वह व्यापार आदि करते हैं, उसमें भी छल कपट कर लेते हैं, मायाचारी का दोष उनको तो लगता ही होगा, तो क्या उनको भी त्रयंच गति का आश्रय होता होगा क्या? अणुवृत्ति पंचम गुण स्थान वृत्ति है, और पंचम गुण स्थान वृत्ति भी यदि व्यापार करता है तो यहाँ पर आचार्यवान कह रहे हैं उसके मन में भी थोड़ी बहुत बेईमानी आई, उसने मान और उन्मान को हीनाधिक करके लेन देन किया, तो निश्चित ही मन में थोड़े से छल तो आया, कपट आया, तो त्रिंच गति का आश्रय होगा लेकिन आयु का बंद नहीं होगा, त्रिंच आयु का बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो उस त्रिंच आयु का बंद नहीं हो सकता, देव आयु का ही बंद है। कसाएं इतनी तीव्र नहीं है, इतना तीव्र छल कपट मायाचारी नहीं है, तौलते समय थोड़ी सी बेईमानी कर ली तो इसका ये मतलब नहीं कि वो त्रिंज गति में चला जाए। अनंतानुबंधी संबंधी मायाचारी, तो वह जीव जो है त्रिंज गति को प्राप्त हो, त्रिंज गति में वो जाए, ऐसी बहुत तीव्र मायाचारी उसके अंदर हो, लेकिन अणुवृत्ति के अंदर इतनी तीव्र मायाचारी नहीं है। वो जानता है कि मैंने गलत किया और उसका वो आलोचना भी करता है, मन में पश्चाताप भी करता है कि देखो मैंने ये गलती की है, मैंने थोड़े से लोभ लालच के चक्कर में छल कपट किया और थोड़ा सा धन कमाने के चक्कर में ये मैंने काम गलत किया, तो वो इस बात को जानता हुआ अपनी आलोचना भी करता है, प्रतिक्रमण भी करता है, प्रायश्चित भी लेता है। लेकिन जो अन्य जो जीव हैं, जो मिथ्या दृष्टि वाले जो जीव हैं, वो यह कार्य करें तो उन्हें त्रिंच गति का आयु का बंद भी हो सकता है उस समय यदि वो इस प्रकार के परिणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है और ना ही वो इस बात को गलत स्वीकार करते हैं, बेईमानीपन को कभी गलत स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अनुवृत्ति यदि करता है तो वो उस बात को स्वीकार भी करता है, पश्चाताप भी करता है, आलोचना भी करता है। रही बात है उस समय यदि उसके परिणाम छल कपट के हैं, लेकिन तीव्र कषाय संबंधी नहीं होने के कारण उन्हें वहाँ पर त्रिंच आयु का बंध नहीं होगा। उस पंचम गुण स्थान वर्ती रहते हुए व्यापार आदि करते समय भी उनका पंचम गुण स्थान रहता है, और वो पंचम गुण स्थान यदि रहता है तो उस समय देव आयु का ही आश्रय होगा, त्रिंच आयु का आश्रय नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन पांचवा नंबर का अतिचार देखते हैं। पांचवा नंबर का जो अतिचार है उसका नाम है प्रतिरूपक व्यवहार। पांचवा अतिचार नाम याद रखिए, प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक जो कोई वस्तु अपने पास है और वैसी ही दिखने वाली कोई वस्तु हो, प्रतिरूप उसी का ही रूप हो, ऐसा दिखने वाली कोई वस्तु हो और उसका व्यवहार करना, उसको इस प्रकार से बताना कि ये वही वस्तु है, तो उसको कहेंगे प्रतिरूपक व्यवहार नाम का ये अतिचार है। कहने का मतलब ये है कि कोई नकली वस्तु है और उस नकली वस्तु को उसी रूप की दिखने वाली जो असली वस्तु है उस वस्तु में मिला करके बेचना कि यह असली है, ऐसा कह करके बेचना, मतलब खोटी वस्तु को अच्छी वस्तु में मिला करके बेचना और लोगों को बताना कि ये तो बहुत शुद्ध है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, वैसा ही है। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रतिरूपक होती हैं, वैसे रूप की दिखने वाली होती हैं, होती असली नहीं है। जैसे मान लो कि डायमंड, अब डायमंड तो असली है और वो जरकन के डायमंड बनाए, जरकन के, अब वो जरकन के दिखते हैं बिल्कुल डायमंड जैसे दिखते हैं, तो किसी को डायमंड का हार बनवाना है तो उसने मतलब 100 पीस लगने हैं, तो 100 पीस में 15-25 पीस जो हैं वो जरकन वाले उसमें लगा दिए, तो वो प्रतिरूपक हो गया।
और व्यवहार, ऐसा कहना, व्यवहार मतलब ऐसा कहना, देखो कितना बढ़िया डायमंड का है और आपके लिए तो हम दे रहे हैं, आपके लिए तो बनवा रहे हैं, और ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इससे अच्छा असली और बढ़िया माल कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा व्यवहार करना। तो अब उसने क्या किया, पैसे कमाने के लिए लोभ लालच के कारण एक झूठ बोला, झूठ भी बोला, छल भी किया, कपट भी किया और चोरी भी की। चोरी क्या की, यहाँ पर उसने नकली माल को असली माल बना करके बेचा, ये भी चोरी है। तो इस प्रकार से अनुवृत्ति, देखिए जो वृत्ति नहीं है वो तो ऐसा काम करते ही करते हैं, लेकिन अनुवृत्ति भी कदाचित लोभ लालच के चक्कर में वही भी ऐसा कार्य कर देता है। तो आचार्य कहते हैं ये उसके लिए अतिचार है। यद्यपि वो बहुत बड़ी बड़ी चोरी नहीं करता है, चोरी मतलब किसी का माल ही अपहरण नहीं कर लेता है, कोई उसके पास धन रख के गया और कह दे नहीं तुमने मुझे धन मेरे पास नहीं रखा, तो ये तो फिर अनुवृत्ति नहीं होगा, जब उसने रखा है सो रखा है, ये तो बताना ही चाहिए। तो अनुवृत्ति इस प्रकार से कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो व्यापार संबंधी कार्य में, गृहस्थ जीवन संबंधी कार्य में, इस प्रकार से छोटी मोटी जो चोरियां हैं वो आजीविका के लिए या अपने वैभव को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से कार्य कर देता है। अब जैसे कि काली मिर्च है, तो काली मिर्च तो महंगी होती है, तो क्या करें, उसको अपन को पैसे कमाना है, तो पपीते के जो बीज होते हैं काले काले, वो भी काली मिर्च जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं पर दिखते वैसे ही हैं। अब उनको क्या किया, उसमें 1 किलो में यदि वो 250 ग्राम भी मिला दे तो कितना हो गया, तो उसने उतना पैसा कमा लिया। तो क्या किया, नकली थे पपीता का बीज तो नकली हुआ ना, वो तो काली मिर्च नहीं हुआ, पर उसमें मिला करके बेच दिया। ऐसे ही जो ईंट आदि रेत आदि है उनका क्या बोलते चूर्ण बनाया और उसने लाल मिर्च में मिला दिया, तो लाल मिर्च में मिल गया तो वो कैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा पाउडर बना करके मिला दे देते हैं, बिल्कुल मिट्टी को भी, लाल मिट्टी को ऐसा पाउडर बना देंगे और लाल मिर्च आदि मिला देंगे तो उसको उस भाव में बेच देंगे। ऐसा एक दो आइटम नहीं कह रहा हूँ मैं, हजारों लाखों आइटम ऐसे सामान ऐसे हैं कि व्यक्ति मिलावट करके और उसको ऐसे कह के बेचता है जैसे बिल्कुल इससे असली और इससे शुद्ध जो चीज़ है दुनिया में कहीं होगी ही नहीं, ऐसा व्यवहार करता है, सामने वाले ग्राहक को से ऐसा बातें करता है, ऐसी बातें करता है कि सामने वाला सच ही समझता है, सच ही समझता है। अब घी की दुकान, अब उसमें लिखा है शुद्ध घी की दुकान, तो अब शुद्ध घी की दुकान लिखा है, अब उस घी में उसने मिलावट कर दिया, कहीं आलू उबाल करके उसमें मिला दिए, कहीं डालडा घी मिला दिया, कहीं और कुछ मिला दिया, बहुत कुछ चीज़ें होती है मिलाने के लिए, और उसको घी के रेट में उसको बेच दिया, जो घी का मूल्य था उस मूल्य में उसको बेचा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जितनी भी नकली वस्तुएं हैं, जो प्रतिरूपक हैं, उस रूप दिखने वाली जो वस्तुएं हैं उनको असली वस्तु में मिला करके ऐसा व्यवहार कहना, ऐसा कहना ये सही है, ये ठीक है, आप इसे खरीदिए, ये आपके फायदेमंद है, आपके अच्छा कार्य करेगा, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, इस प्रकार से बोलना, इस प्रकार से व्यवहार करना, ये प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार है। तो आचार्य उन कहते हैं कि जो कृत्रिम स्वर्ण आदि हैं उनमें भी इस प्रकार से कार्य करना, देखिए स्वर्ण होता है तो उसमें भी जो कृत्रिम बना लेते हैं स्वर्ण, उसमें असली स्वर्ण मिला दे, असली स्वर्ण मिला देना, ऐसी कृत्रिम चांदी, तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, धातु उपधातुएं और अन्न अनाज आदि और पेय पदार्थ हैं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो व्यक्ति को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, और उनमें व्यक्ति व्यापार आदि करने के लिए, पैसे आदि कमाने के लिए इस प्रकार से छल कपट भी कर लेता है। तो आचार्य कहते हैं ये चोरी है। तो अनुवृत्ति जो है यदि इस प्रकार से कार्य करता है तो वो उसके लिए अतिचार है, दोष है, इस प्रकार का ये दंडनीय अपराध भी है, ये भी ध्यान रखना। यदि इस प्रकार से कार्य करते समय
यदि आप पकड़े गए, कोई निरीक्षण व्यक्ति आ गया और उसने पकड़ लिया, तो आपको पेनल्टी भी लगती है और जहाँ तक उसकी सज़ा भी मिलती है। क्यों? क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के साथ धोखा है, उसके जीवन के साथ भी धोखा है। यदि वो वस्तु का सेवन कर ले और नुकसान कर जाए तो वो बीमार आदि भी पड़ सकता है, कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से बिल्कुल बचें, आप अनुव्रति हैं, बिल्कुल ईमानदारी से कार्य करें, सत्य का सत्यापन करें, इस प्रकार से कार्य न करें जो धोखा दे अपने को भी और दूसरे को भी। तो पांचवा अतिचार आपको समझ में आ गया ना, प्रतिरूपक व्यवहार। बहुत सुंदर नाम आचार्य भवन ने दिया है, प्रतिरूप, उस रूप दिखने वाली वस्तु को क्या करना, अन्य जो वस्तु है उसमें मिला करके व्यवहार करना, कहना ये सही है ठीक है, ऐसा कहकर बेचना, मतलब खोटी वस्तु को असली वस्तु में मिला करके बेचना, ये प्रतिरूपक व्यवहार नाम का अतिचार है। इस प्रकार से यह सूत्र यहीं संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपके आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं व सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।